नमस्कार दोस्तों, आपने शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो को देखिए, क्या आप गेस कर सकते हो ये ड्रोन फुटेज कौन सी जगह की है, कौन से देश में ली गई है? जो भी आप गेस कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि ये वीडियो ना तो किसी असली जगह का है और ना ही किसी ड्रोन ने लिया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया वीडियो है। और देखिए, ये सारे वीडियोस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी के सभी फेक हैं। ये टोपी पहना हुआ आदमी या ये किताब पढ़ता हुआ इंसान, ये लोग असली में एग्जिस्ट नहीं करते, इन्हें सिर्फ कंप्यूटर ने जनरेट किया है। अब फर्क बता पाना लगभग नामुमकिन है कि क्या असली है क्या कंप्यूटर जनरेटेड। और अब वीडियोस बनाने के लिए आपको कैमरा की जरूरत नहीं, सिर्फ कीबोर्ड के जरिए ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं कुछ मिनटों में। ये सब पॉसिबल हो गया है आज सोरा एआई की वजह से। सोरा एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया है OpenAI कंपनी ने, वही कंपनी जिसने 1.5 साल पहले दुनिया को हिलाकर रख दिया था जब उन्होंने ChatGPT लॉन्च किया था। तो ChatGPT में आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन करते हो एआई के साथ, आप टेक्स्ट में कुछ लिखकर भेजते हो एआई को और वापस जवाब भी टेक्स्ट में ही आता है। इसके बाद OpenAI ने डैली सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जो टेक्स्ट टू फोटो था। आप टेक्स्ट लिखकर भेजोगे कि किस तरीके की फोटो आप जनरेट करना चाहते हो और आपको वापस एक AI जनरेटेड फोटो मिल जाती थी। और अब ये सोरा AI टेक्स्ट टू वीडियो है। अब सिंपल इंग्लिश भाषा में लिखकर बताओ कि किस तरीके का वीडियो आप जनरेट करवाना चाहते हो और ये वो आपको करके दे देगा। जैसे कि आप कहते हो कि मुझे एक वीडियो चाहिए एक यंग इंसान का जो एक बादल पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा है, ये लिखकर आप भेजो और रिस्पांस में सोरा AI आपको एक ऐसा वीडियो बनाकर दे देगा कुछ मिनटों में। जितने वीडियोस मैंने आपको दिखाए सब में कोई ना कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखा गया है, कुछ में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट काफी लंबा है, कुछ में छोटा है। लेकिन सोरा AI यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट टू वीडियो नहीं बल्कि फोटो टू वीडियो भी जनरेट कर सकता है। ये एक शिबा इनू डॉग की फोटो है, इस फोटो को सोरा AI में इनपुट करो तो ये वीडियो निकल आता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वीडियो टू वीडियो करना भी पॉसिबल है। ओरिजिनल वीडियो यहाँ पे इसे दो जहाँ पर एक गाड़ी रोड पर चल के जा रही है और आप इसे कहो कि आसपास की एनवायरनमेंट बदल दे, मैं चाहता हूँ कि 1920s का जमाना लगे, लेकिन गाड़ी का रेड कलर यही रखना, तो इस वीडियो से ये वाला वीडियो निकल आता है। आप इस टेक्नोलॉजी के मायने समझ रहे हो क्या है? पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज उलट पुलट हो सकती हैं। एनिमेटर्स, वीडियो गेम डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, इनकी अब जरूरत ही क्या पड़ी। स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म, स्टॉक वीडियो प्लेटफॉर्म्स पूरे खत्म हो जाएंगे। फिल्में बनाते वक्त हफ्तों की फिल्मिंग करने की क्या जरूरत जब कुछ मिनटों में AI आपको आपके लिए फिल्म की फुटेज दे सकता है। तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक सोरा AI के आने से पहले इस टेक्नोलॉजी का क्या लेवल था। आज से ठीक 1 साल पहले मार्च 2023 में ये वीडियो बड़ा वायरल गया था इंटरनेट पर, विल स्मिथ स्पेगेटी खा रहा है। ये वीडियो किसी और कंपनी के AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया था, लेकिन 1 साल पहले ये इस टेक्नोलॉजी की पीक थी। इसके बाद कुछ और टेक्स्ट टू वीडियो AI टूल्स पब्लिक में आए थे जैसे कि पीका लैब्स और रनवे। सोरा AI के आने से पहले रनवे कंपनी इस फील्ड में इंडस्ट्री लीडर थी, लेकिन उसके द्वारा जनरेट किए गए AI जनरेटेड वीडियोस की क्वालिटी देखो आप, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पर। सोरा के रिलीज होने के बाद एक्टर विल स्मिथ खुद इतने इंप्रेस थे इस टेक्नोलॉजी को देखकर कि उन्होंने मजाक में अपना एक वीडियो बनाया स्पेगेटी खाते हुए, ये दिखाने के लिए कि देखो पहले टेक्नोलॉजी कहां थी और अब ये टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी है। सोरा अब यहां पर समझ सकता है कि हमारी दुनिया कैसे चलती है, मोशन कैसे काम करता है फिजिक्स के लॉज के अनुसार। यही कारण है कि इस वीडियो में जब पपीज हिल रहे हैं तो इसे पता है कि जो बर्फ उनके ऊपर गिर रही है वो कैसे हिलनी चाहिए। ये इमोशंस को भी अब समझ पा रहा है। इस वीडियो को देखिए, ये कार्टून जब इस मोमबत्ती को जलते हुए देखता है तो इसके चेहरे पर एक्साइटमेंट कैसे आती है। बारीक से बारीक डिटेल्स को यहाँ ये समझ पा रहा है कि हाथी चलते कैसे हैं, उनके पैरों का मोशन एग्जैक्टली कैसे होता है। इसी की वजह से ही हमें ये सारे वीडियोस इतने असली लगते हैं। आप यहाँ सोचोगे कि सोरा ये सब कर कैसे पा रहा है, तो इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी दोस्तों एक्चुअली में ChatGPT से काफी सिमिलर है। ChatGPT जहाँ एक तरफ टोकन्स का इस्तेमाल करता है, वही सोरा दूसरी तरफ उसके इक्विवेलेंट पैचेस का इस्तेमाल करता है। ChatGPT से जो भी आप पूछते हो वो उस टेक्स्ट को टोकन्स में बांट देता है और अपना वापस जवाब भी टोकन्स के जरिए ही देता है। सोरा AI भी ऐसे ही फोटोज और वीडियोस को समझने के लिए वो विजुअल डेटा को विजुअल पैचेस में बांट देता है और अपना आउटपुट बनाते हुए भी ये इन्हीं विजुअल पैचेस का इस्तेमाल करता है एक वीडियो बनाने के लिए।
इस चीज को डिटेल में मैंने अपने चैट जीपीटी कोर्स में समझाया कि टोकन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आपने कोर्स लिया है तो चैप्टर 2.3 में मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें आप विजुअल पैचेस को टोकन्स का इक्विवेलेंट समझ सकते हो। और अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो जरूर जाकर चेकआउट करिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रही है, इंडस्ट्रीज उलट पुलट कर रही है। अगर आप इसे नहीं सीखेंगे, डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। कोर्स के पहले दो चैप्टर्स काफी थियोरेटिकल हैं, जिसमें मैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, चैट जीपीटी के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, टोकन्स कैसे काम करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, RLHF मेथड क्या है। लेकिन सबसे यूजफुल चीजें चैप्टर 3 से शुरू होती हैं, क्योंकि वहां से सब प्रैक्टिकल है। चैप्टर 3 में आप सीखेंगे कि कैसे पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आपको बाहर पढ़ने जाना है तो किसी कंसल्टेंट पर पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी का यूज कीजिए। कैसे जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 4 पर्सनल लाइफ पर फोकस्ड है, फूड डाइट प्लानिंग, हेल्थ और फिटनेस, ट्रैवल प्लानिंग में आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 5 मेरा फेवरेट बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस्ड है, जैसे आप अपने बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं चैट जीपीटी के जरिए। कस्टमर फीडबैक मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 6 चैट जीपीटी की लिमिटेशन समझाता है, और अब आप लोगों के लिए चैप्टर 7 भी मौजूद है। बोनस कॉन्टेंट, 1 घंटे की वर्कशॉप जो मैंने दुबई की 1 बिलियन समिट में करी थी। इस वर्कशॉप में मैंने चैट जीपीटी को फुल पोटेंशियल पर यूज करना सिखाया था। लेकिन इतना ही नहीं, अप्रैल 2024 में मैं एक और बड़ा अपडेट करूंगा इस कोर्स में, और नए चैप्टर्स, नए लेसन्स आएंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है। और अगर आपने एक बार इस कोर्स को खरीद लिया तो सारे अपडेट्स आपके लिए फ्री हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, आपको 40% ऑफ मिलेगा। आप ऐसे पहले 400 लोगों को जो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे SORA40, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब सोरा पर वापस आए दोस्तों, तो ऊपर से देखकर आपको जरूर लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी तो बड़ी परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये 100% परफेक्ट नहीं हुई है। नो डाउट ये बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है, लाजवाब है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं है अभी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितने भी वीडियोज मैंने आपको दिखाए उन्हें जरा थोड़े ध्यान से देखिए। ये आदमी जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब के पेजेस कैसे हवा की वजह से गलत डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। ये जो एस्ट्रोनॉट चल रहा है, इसके चलने की स्पीड अचानक से कैसे तेज सी हो जाती है। OpenAI बड़े ओपनली अपनी वेबसाइट पर सोरा AI की वीकनेसेस को एक्नॉलेज करते हैं। ये AI जनरेटेड वीडियोस कभी कभार चूक जाते हैं रियल वर्ल्ड की फिजिक्स को अप्लाई करने में, जैसे कि ये बास्केटबॉल जो नेट के अंदर से गुजर रही है, या फिर इस वीडियो में दिख रहे 3 हाथ, या ये वाला वीडियो देखो, एक ग्रैंडमा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं। ऊपर से देखकर लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा गौर से देखो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और ध्यान से देखो, गलती पता चली, और ध्यान से देखो जिस तरीके से लोगों के हाथ हिल रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। किसी भी नॉर्मल इंसान के हाथ ऐसे नहीं हिलते। तो आज के दिन कुछ ये छोटी मोटी डिटेल्स हैं जिनके बेसिस पर बताना पॉसिबल है कि कोई वीडियो AI जनरेटेड है या असल जिंदगी में रियल लाइफ में लिया गया वीडियो है। लेकिन जिस स्पीड से ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आज से 1 साल बाद ये भी बताना पॉसिबल हो सकेगा। और OpenAI वाले भी ये चीज जानते हैं, जिस दिन ये वीडियोस इतने असली हो गए कि बिल्कुल ही कोई इंसान की आंखें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगी, उस दिन भारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बहुत ही आसानी से फेक न्यूज फैलाई जा सकेगी। शायद यही रीजन है कि Sora AI अभी पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया गया है। इसे अभी रेड टीमर्स के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, यानी कि ये अभी टेस्टिंग फेज में। रेड टीमर्स का मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी के वो लोग जो अटैकर्स की तरह बिहेव करते हैं, और इनका काम होता है सिस्टम की कमजोरियां ढूंढना। लेकिन जब ये पब्लिक के लिए रिलीज किया भी जाएगा, तब भी मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी रियल इंसान के फोटोज वीडियोस को मैनिपुलेट करना पॉसिबल होगा, क्योंकि वो चीज तो हमेशा ही एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क रहेगी कि लोग इसका इस्तेमाल करें किसी पॉलिटिशियन के फेक वीडियोस बनाने में और उससे इलेक्शन में इंटरफेरेंस हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सोरा के रिलीज होने से पहले ही एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इस वीडियो को देखिए, विराट कोहली का ये वीडियो जिसमें वो एक बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं। एविटर एक प्रकार का गेम है जिसे हम निवेश योग्य ऐप कह सकते हैं, या मैं निवेश योग्य गेम कह सकता हूँ, जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। क्या पहचान पाए कि ये वीडियो असली नहीं है, ये 100% AI जनरेटेड वीडियो है? कुछ फ्रॉड कंपनीज ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लॉइट करने लग चुकी हैं। सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रिटीज के फेसेस का इस्तेमाल करके एड्स चलाई जाती हैं, पैसों का लालच दिखाकर लोगों को कहा जाता है कि हमारी ऐप डाउनलोड करो। सचिन तेंदुलकर के साथ भी यही चीज हुई। मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपये निकालती है।
ये भी कंप्लीटली फेक वीडियो, लेकिन देखा आपने टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि किसी और की आवाज को भी यहां पर यूज करना पॉसिबल हो पा रहा है। अभी के लिए ऐसे वीडियो से बचने का एक ही तरीका है, थोड़ा गौर से देखिए इन वीडियोस को। हमेशा छोटी मोटी गलतियां आपको मिलेंगी, कहीं ना कहीं लिप मूवमेंट अजीब होगी, क्वालिटी लो होगी अक्सर इनकी। आवाज को भी अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज में वो बात नहीं आ रही, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वॉइस लग रही है। फिर से सुनो वो सचिन तेंदुलकर की आवाज को। मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ये छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करके आप यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप वीडियो के कॉन्टेंट को देखो, क्या प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पर, क्या आपको करने को कहा जा रहा है। कि यह एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी आईफोन मालिक इसे डाउनलोड कर सकता है। विमान 2x, 3x, 4x, 5x गुणांक पर जाता है। अगर कोई सेलिब्रिटी आपसे कहता है कि इस ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ आप जितने पैसे लगाओगे 10 गुना उसके पैसे बना सकते हो, वैसे ही आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। चाहे वो AI वीडियो हो या असली वीडियो हो, ऐसी चीजों से वैसे ही आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इन प्रॉब्लम्स के लिए एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है कि एक AI जिसका काम हो AI जनरेटेड वीडियोस को पहचानना। OpenAI ने कहा कि हम जितने भी वीडियोस सोरा AI के द्वारा बना रहे हैं उसमें एक वॉटरमार्क डाल रहे हैं, उस वॉटरमार्क के जरिए आप हमेशा पहचान सकते हो कि कोई वीडियो AI जनरेटेड है या नहीं है। मैं पर्सनली भी अपने वीडियोस में कई बार AI जनरेटेड फोटोज या वीडियोस का इस्तेमाल करता हूं, तो ऐसे केस में मैं हमेशा वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर लिखता हूं रिप्रेजेंटेशनल। आपने कई बार ये मेरे वीडियोस के कोने में लिखा हुआ देखा होगा, ये इसीलिए ही ताकि आप समझ पाओ कि ये जो फोटो या वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है ये AI जनरेटेड है, असली नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है जॉब्स का। आखिर इस AI का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया भर की इंडस्ट्रीज पर और इकोनॉमी पर। फिल्मों में भी फिल्म मेकर्स को बड़े बड़े कैमराज ले जाकर अलग अलग जगहों पर फिल्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही सालों में पूरी की पूरी फिल्में AI का इस्तेमाल करके बनाई जा सकेंगी। एवेंजर्स फिल्म के डायरेक्टर जो रूसो ने तो पिछले साल बड़े फेमसली कहा था कि सिर्फ 2 साल लगेंगे AI को इस लेवल तक पहुंचने पर कि वो पूरी की पूरी फिल्में बनाने लग जाए। ऐसे ही गेमिंग इंडस्ट्री पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिन वीडियो गेम्स को बनाने में पहले सालों का समय लग जाता था, 100 लोगों से ज्यादा की टीम्स चाहिए होती थी, अब यही काम कितनी आसानी से किया जा सकेगा। इस NBC आर्टिकल के अनुसार फिल्म मेकर टाइलर पेरी $800 मिलियन खर्च करने वाले थे स्टूडियो एक्सपेंड करने के लिए अपना, लेकिन जैसे ही सोरा रिलीज हुआ इन्होंने अपने स्टूडियो एक्सपेंशन को रोक दिया। आखिर स्टूडियो की जरूरत ही क्या अगर AI हमारे लिए वीडियोस बनाकर दे दे तो। इसका मतलब है कि बहुत सारी जॉब्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाने वाली हैं। वो सिनेमेटोग्राफर जो कई दिन लगाकर एक 2 मिनट की स्टॉक फुटेज बनाता था जिसे बेचकर वो पैसे कमाता था, या फिर वो VFX आर्टिस्ट जो किसी बड़ी गेमिंग कंपनी के लिए NPCs बनाता था। शॉर्ट टर्म में फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की जॉब्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है। अच्छी चीज यहाँ पर यह होगी कि हमें इन सभी फील्ड्स में अब डेमोक्रेटाइजेशन देखने को मिलेगा, आम लोगों के लिए ये सारी फील्ड्स और एक्सेसिबल बन जाएंगी। अगर आपका सपना था कि आप कभी एक फिल्म प्रोड्यूसर बनो, लेकिन आपके पास कभी इतना पैसा नहीं था, इतनी इक्विपमेंट नहीं थी, अब सोरा AI के जरिए आपको भी मौका मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का बिना इन सब रिसोर्सेज के। अब किसी IT जॉब वाले को भी एक अच्छा फिल्म मेकर बनने का मौका मिल पाएगा, और किसी म्यूजिशियन को बिना ज्यादा पैसे खर्च किए म्यूजिक वीडियोज बनाने का मौका मिल पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजीज को देखकर थोड़ा बहुत डर लगना जायज है। क्या आप जानते हो दोस्तों, आज से 600 साल पहले जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया गया था, तब भी बहुत से रिलीजियस लीडर्स उसके सख्त खिलाफ थे। कुछ लोग कहते थे कि जो किताबें हैं वो एक्चुअली में शैतान की देन है, हमें किताबों को बैन कर देना चाहिए। साल 1501 में जो पोप थे, पोप अलेक्जेंडर VI, उन्होंने ये तक कहा था कि चर्च की परमिशन के बिना किसी को किताबें प्रिंट करना अलाउड नहीं है। एक बात यहाँ पर तय है, चाहे आप इस टेक्नोलॉजी को पसंद करें या ना करें, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सभी लोगों को, सभी सरकारों को इस नई दुनिया से अडेप्ट करना सीखना होगा। दुनिया की कई सरकारें ऑलरेडी प्रोएक्टिव कदम उठाना शुरू कर चुकी हैं, जैसे कि सिंगापुर के पार्लियामेंट में हाल ही में उनके एक MP ने कुछ दिन पहले ये स्पीच दी थी सोरा AI को लेकर। Sora allows you to key in text, type in some text, a prompt, and it can produce videos which are indistinguishable from what Hollywood can produce today and what smaller studios can produce. इन पॉलिटिशियन का नाम है टैन वू मैंग, और इन्होंने कहा कि सिंगापुर की सरकार ने इन AI डेवलपमेंट से अडेप्ट करने के लिए अब एक नई सब्सिडी लॉन्च करी है। We have to accept the world as it is, the way the world is going to be, and look after, support, empower, uplift our people. And this is why the new subsidy
for Singaporeans aged 40 and above to pursue another full-time diploma in higher education. ये सब्सिडी 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए है ताकि वो दोबारा से एक full-time diploma pursue कर सके. This new subsidy in the budget, that's why it's so important. Because it recognizes that in a world that's changing so quickly, what you learn in school, in education at age 20 may have changed, transformed, been replaced by a new world by the time you're age 40. It recognizes that change and supports middle-aged and older workers. क्योंकि इनकी सरकार समझ चुकी है कि आज के दिन अगर आप कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, जो भी आपको आज पढ़ाया जा रहा है, क्या आज से 20 साल बाद जाकर जब टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाएगी, क्या वो चीज फिर भी रेलेवेंट रहेगी? इसलिए बेहतर यही है कि 40 साल के बाद लोगों को कहा जाए कि दोबारा से आप एजुकेशन करो अपनी, जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सब से अडेप्ट कर पाओ, अपने आप को अपस्किल कर पाओ। इंटरेस्टिंगली सिंगापुर की सरकार ने तो 2019 से ही एआई की बात करनी शुरू कर दी थी और अपने लेटेस्ट 2024 के बजट में इन्होंने $1 billion इन्वेस्ट करने का प्लेज किया है एआई में। In the National AI Strategy 2.0, I will invest more than $1 billion over the next 5 years into AI compute, talent and industry development. तो यही सजेशन मेरी आपके लिए भी रहेगी कि जितना जल्दी आप इस बदलती दुनिया से अडेप्ट करना सीखोगे उतना ही आप फायदे में रहोगे एआई को लेकर। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि एआई आज के दिन एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड बन गया है तो बहुत सी कंपनीज इसे एक्सप्लॉइट भी कर रही हैं और काफी सारे फालतू के एआई भी मौजूद हैं आज मार्केट में। जब मैंने अपना एआई पर पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कई सारी चीजें दिखाई थी जो एआई के थ्रू करनी पॉसिबल थी, जैसे कि फेस चेंज करना, अपनी आवाज को बदल लेना। Et si je veux, cette vidéo, je peux aussi changer toute ma voix avec l'aide de l'IA. लेकिन आप में से कई लोगों ने मेरा कोर्स लेने के बाद ये फीडबैक दिया कि मैंने सिर्फ चैट जीपीटी पर ही कोर्स क्यों बनाया, उन बाकी एआईज की बात क्यों नहीं करी कोर्स में। यही कारण है, ज्यादातर जो बाकी के एआईज हैं वो दिखावे के एआईज हैं, उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है जिंदगी में। जैसे कि फेस स्वॉप के लिए जब मैंने अपना चेहरा बदला टॉम क्रूज में, ऋतिक रोशन में, मैंने अकूल फेस स्वॉप नाम का टूल यूज किया था। ये बहुत ही महंगा टूल था, बहुत सारे पैसे खर्च किए थे मैंने सिर्फ कुछ सेकंड की फुटेज को आउटपुट करने के लिए। रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं था क्योंकि क्लियरली आप मेरे चेहरे को देखकर कह सकते हो कि ये तो मैनिपुलेटेड सा चेहरा दिख रहा है, असली नहीं लग रहा। और इसके अलावा कोई फीचर्स भी नहीं थे इसके। और इसलिए ऐसे एआई टूल्स को एक गिमिक कहा जाएगा, सिर्फ ये दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन ना आपको पढ़ाई में इससे कोई मदद मिलेगी, ना आपके काम की स्पीड तेज होगी इससे, और ना ही आपके बिजनेस में कोई मदद मिलेगी। इसलिए चैट जीपीटी पर मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया क्योंकि चैट जीपीटी एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के लिए किया जा सकता है, इसलिए पूरा कोर्स उस पर है। और हाल ही में कई सारी इंडियन एआई कंपनीज भी आई हैं जो दावा कर रही हैं कि देखो ये पहला इंडिया का एआई हमने बनाया है, और पता चलता है कि बेस में पीछे पीछे बैकएंड में वो चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट जीपीटी के अलावा मिड जर्नी, डैली और स्टेबल डिफ्यूजन, ये तीन टेक्स्ट टू फोटो एआई सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक्चुअली में यूजफुल हैं, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है सोरा एआई यहां पर उतना ही रेवोल्यूशनरी निकलेगा जितना चैट जीपीटी निकला था। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें सभी एआई टूल्स का एक ओवरव्यू दूं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। नहीं तो अभी के लिए कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कूपन कोड के साथ। और ये वीडियो पसंद आया तो मेरा पिछला एआई वाला वीडियो भी देख सकते हैं, Q star AI के ऊपर। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।